आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑटो कॉल रिसीव सेटिंग को चालू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर बिना कॉल को रिसीव किए हुए कॉल रिसीव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप यहां पे अपना एयरफोन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न से आपका हाथ में ग्लव्स लगा हुआ है, आप अपना हाथ से कॉल को रिसीव करना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं 5 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद आपका कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाए, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कैसे आप अपने कॉल को रिसीव कर सकते हैं ऑटोमेटिक। हेलो दोस्तों, टेक्नो सर्फाई यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में आ गए। और दोस्तों अगर आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑटो कॉल रिसीव सेटिंग को चालू करना है तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ऑटो कॉल रिसीव सेटिंग को चालू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा मेरा मोबाइल फ़ोन का सेटिंग, हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग के अंदर कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको कॉल सेटिंग के अंदर जाना है। दोस्तों कॉल सेटिंग के अंदर जाने के लिए आपको हल्का नीचे के साइड में जाना है और यहाँ पे आपको ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सिंपली सिस्टम ऐप सेटिंग पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल सेटिंग का एक ऑप्शन आ गया। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर यहाँ पे कॉल सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबसे नीचे के साइड में आपको कॉल सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कॉल सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर कॉल सेटिंग के अंदर आ जाते हैं कुछ इस प्रकार से काफ़ी सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑटो एंसर सेटिंग को चालू करना है। तो सिंपली आपको हल्का नीचे के साइड में जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑटो एंसर का एक बटन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अलाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं आपका सेटिंग चालू हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो एंसर डिले, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप चाहते हैं 3 सेकेंड में आपको कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। 5 सेकेंड और 10 सेकेंड का भी ऑप्शन है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं 10 सेकेंड पर क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसा कि पहला ऑप्शन है ऑलवेज, दूसरा ऑप्शन है हेडफोन ओनली, यानी कि अगर आप जो है हेडसेट इस्तेमाल करते हैं, एयरफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपका कॉल ऑटोमेटिक रिसीव होगा, बाकी जो है बाकी समय में रिसीव नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपका कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो, बाकी समय में नहीं हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक हेडफोन का सेटिंग है, एक ब्लूटूथ का है और एक है हेडफोन और ब्लूटूथ दोनों का सेटिंग। आपको जिस प्रकार से सुविधा चाहिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑलवेज पर रहने देते हैं और दोस्तों फाइनली हमारा सेटिंग हो गया। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं अपने दूसरे फ़ोन से कॉल कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारा सेटिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने इस फोन के अंदर वो सेटिंग कर दिया है ऑटो एंसर वाला, यहाँ पे हमारा कॉल आएगा और ये कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कॉल आ गया और ये कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो गया और कुछ इस प्रकार से आप भी सेटिंग को कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।